हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के हवाले से। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो यह है कि जो रेलवे का रिक्रूटमेंट चल रहा है 2018 का, जिसमें ग्रुप सी और डी की वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो नंबर आप टोटल वैकेंसीज है लगभग 90,000 है और अभी तक 1.5 करोड़ एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। जी हाँ, 1.5 करोड़ एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो चुकी हैं अगेंस्ट अप्रॉक्स 90,000 वैकेंसी के लिए, जो कि ग्रुप सी डी की वैकेंसी है। और ये जो न्यूज़ आ रही है, ये आ रही है इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में बेरोज़गारी का क्या आलम है। और इसी चीज़ को एनालिसिस करने के लिए हमने ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल उठाया है, जो कि 14 मार्च को 3:25 पे पब्लिश हुआ है एंड इंडियन एक्सप्रेस की डेस्क से, न्यूज़ डेस्क से। और इसका जो मेन इन्फॉर्मेशन है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें ये बताया गया है कि रेलवे के एक सीनियर ऑफिसर ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि लगभग 1.5 करोड़ कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है इन 89,000 वैकेंसीज के लिए, जो ग्रुप सी और डी की हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशंस भरे जा रहे हैं। और ये 31 मार्च तक एप्लीकेशन भरे जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें, वो ये है कि जो टोटल वैकेंसीज हैं 90,000 हैं, जिनमें से ग्रुप सी की जो वैकेंसी हैं अप्रॉक्स 26,000 हैं, और जो ग्रुप डी की वैकेंसी हैं ये लगभग 63,000 हैं, 63,000 के आसपास हैं। और 31 मार्च तक ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जा रहे हैं। और बाकी आप इस एप्लीकेशन भरने के लिए आपको जो रेलवे का सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट पोर्टल है, उसके माध्यम से आप भर सकते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि जो इसके एग्जामिनेशन होने हैं, जो उनकी टेंटेटिव जो संभावना बन रही है एग्जामिनेशन कंडक्ट होने की, वो अप्रैल मई 2018 में होंगे। लेकिन अभी तो मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड। और इतने बड़े पैमाने पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराना इतना आसान नहीं है। 31 मार्च को तो लास्ट डेट आपने रखी है, और इतना जल्दी एग्ज़ाम हो जाए पॉसिबल नहीं है। फिर भी देखते हैं क्या होता है। और आफ्टर रिलीजिंग ऑफ नोटिफिकेशन बहुत सारे चेंजेस हुए। एज रिलैक्सेशन हुआ, क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए कैंडिडेट्स के द्वारा, जो भी हमारे बेरोजगार युवा भाई बहन हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो बहुत सारे चेंजेस आए। अब जो मेन मेन बातें हैं वो आपको हम बता दें कि जो टोटल वैकेंसी हैं ग्रुप सी की, वो 26,502 हैं, और इनको असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं। इसमें जो अलग अलग तरह की वैकेंसी हैं, उसमें असिस्टेंट लोको पायलट की 17,673 वैकेंसी हैं, यानी कि जो ग्रुप सी की वैकेंसी हैं उसमें कई कैटेगरीज हैं। जो असिस्टेंट लोको पायलट यानी ट्रेन को चलाने वाले जो ड्राइवर होते हैं, वो लगभग 17,673 वैकेंसी हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारी टेक्निकल वैकेंसी हैं, टेक्नीशियंस की वैकेंसी हैं 8,829। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इन पदों के लिए, वो उन्होंने रखा है टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और जो पे स्केल है वो एज पर 7 CPC लेवल 2 का है, यानी कि इनिशियल पे आपका 19,900 है, स्टार्टिंग है। इसके अलावा इसमें अलाउंसेस वगैरह अलग से होंगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की जहाँ तक बात है, तो ये 4 स्टेज में सिलेक्शन होगा। फर्स्ट स्टेज होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर सेकंड बेस्ड अगेन कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, और देन फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इस तरह से इन्होंने इसमें 4 स्टेज रखे हैं। जो ग्रुप डी वैकेंसी है, जिसके बारे में काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी प्रोटेस्ट किया, और उसमें क्या था, मेन बात ये थी कि 10th के साथ साथ टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI वगैरह की शुरू में क्वालिफिकेशन रखी गई थी। फिर ये डिसाइड किया गया कि भाई चूँकि ग्रुप डी है और ये वैकेंसी ग्रुप डी के लिए, टेक्निकल चीज़ें ना मांगी जाएँ, 10th मांगी जाएँ। और फाइनली फिर रेलवे जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसने कंसीडर किया कि ठीक है,
जो अनिवार्य योग्यता है वो 10th है, और अगर किसी के पास ITI है तो एडिशनल है। मेन जो 10वीं पास बेरोजगार युवक हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। तो इसमें कौन कौन से पद थे, इसमें था आपका ट्रैक मैन, ग्रेड 4, गैंगमैन, पॉइंट्स मैन, स्विच मैन, हेल्पर्स, तो इस तरह से विभिन्न पद थे जो ग्रुप डी में थे। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है 10th पास है करेंटली, तो जो भी विद्यार्थी 10वीं पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें जो उन्होंने बनाया है उसमें इनका ये कहना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CVT, और देन इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको PT कहते हैं वो होगा। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो और बता दें, तो जो डेट्स हैं अप्लाई करने की, 31 मार्च 2018 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, और पेमेंट भी आप लास्ट डेट 31 मार्च तक कर सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन भी 31 मार्च तक होगा, पेमेंट भी होगा अगर आप चालान के माध्यम से कर रहे हैं तो 31 मार्च तक ही होगा, और पोस्ट ऑफिस में चालान के माध्यम से 29 मार्च तक है, और एग्जाम डेट अप्रैल मई टेंटेटिव है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आप या आपके जानने वाले कोई हैं जिन्होंने 10th पास कर रखा है तो वो रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 31 मार्च तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसी तरह से जो लोग ITI वगैरह कर रखे हैं, 10th पास हैं, तो वो लोग भी जो ग्रुप सी की वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा अवसर है, और जैसा कि आपने देखा ही कि 1.5 करोड़ एप्लीकेशन आ चुकी है, अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से अपने देश में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, जॉब्स बहुत कम हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी बहुत लिमिटेड आती हैं, तो इस वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है। और एक इसका दूसरा कारण यह भी है कि जो रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं, चाहे वो रेलवे के हों, SSC के हों, और जो स्टेट के PSC हैं, आयोग हैं, चाहे किसी भी स्टेट के हों, या जो दूसरे ग्रुप CD की वैकेंसी के लिए जो आयोग बनाए गए हैं विभिन्न राज्यों में, सब जगह जो फाइनलाइजेशन ऑफ रिक्रूटमेंट है बहुत स्लो है, केसेस हो जाते हैं, फाइनल ही नहीं होता, रिजल्ट ही नहीं निकलता। तो इस वजह से एक इधर कुछ समयों से, कहा जाए कुछ वर्षों से, लोगों को जॉब बहुत कम मिल पाई है, और यही वजह है कि एक साथ इतना बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है। तो चलिए, इस एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम और भी लेटेस्ट न्यूज़ लेके आएंगे इस चैनल के माध्यम से आपके लिए। तो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।